हेलो फ्रेंड्स, इस समय लोगों का इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट में तेजी से बढ़ता जा रहा है। अपने अर्निंग को बढ़ाने के लिए लोग शेयर मार्केट को चुन रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे स्टॉक्स के बारे में चर्चा करेंगे जो स्टॉक इस समय अपने 20 वीक हाई के कंपैरिजन में देखे तो काफी ज्यादा डिस्काउंट प्राइस पे ट्रेड कर रहे हैं। ऐसे नए इन्वेस्टर को यहाँ पर इस स्टॉक्स में एंट्री करने का बेहतरीन मौका हो सकता है, यानी कि यहाँ पर अभी इन स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर के पास अपनी पोजीशन इन स्टॉक में बढ़ाने की। तो जानने के लिए बने रहिएगा कि वो 20 वीक लो वाले कौन से स्टॉक्स हैं। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा एंड तक देखने पर ही आपको पता चलेगा कि वो स्टॉक कौन से हैं और कितना पोटेंशियल है, वो कौन से सेक्टर है, ताकि हम उनके फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल का अंदाजा लगा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। इनका पहला स्टॉक है जो फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेट करता है, एंजल वन लिमिटेड, जो डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे स्टॉक्स, IPO, FNO, म्यूचुअल फंड, कमोडिटीज एंड यूज मार्केट। यह इंडिया का नंबर वन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। कंपनी के पास 22.2 मिलियन क्लाइंट्स हैं, लगभग 2 करोड़ से ज्यादा, जिसमें से ग्रास क्लाइंट 2.9 मिलियन। इंडिया के डीमैट खातों में इनकी हिस्सेदारी 14.7% का। कंपनी के 6.1 मिलियन NSE के एक्टिव क्लाइंट्स हैं। NSE के एक्टिव क्लाइंट में कंपनी सेकंड रैंक की पोजीशन हासिल की हुई है। स्टॉक का करंट प्राइस 2364 रुपए, कंपनी ने हाई बनाया है 3900 रुपए का और लो 1446 रुपए करीब। स्टॉक अपने हाई से लगभग 40% के करेक्शन पे ट्रेड कर रही है। यहाँ पर मौका है इस स्टॉक्स में एंट्री लेने का। वही कंपनी के रेशियो को देखे जो कंपनी का इंट्रेंसिक वैल्यू 3495 रुपए करीब है, मतलब कंपनी का प्राइस फ्यूचर में 3495 रुपए तक आसानी से जा सकता है। कितना जबरदस्त ग्रोथ है, इनके शेयर प्राइस मिल सकता है आपको आने वाले बस कुछ समय में। वही कंपनी का डिविडेंड यील्ड 1.65% का है। कंपनी का डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा रहा है, जो कंस्टेंटली ये डिविडेंड पे आउट भी कर रहे हैं। वही कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी ROE 43.3% का, वही इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 38.7% का है। स्टॉक का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.84 है, जो 1 से कम है। कंपनी ने लास्ट 5 ईयर में 69.8% CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ दर्ज की है। वही कंपनी का ROE लास्ट 3 ईयर में 45.2% का है। कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी का सेल्स अब तक का सबसे ज्यादा है, जो ईयर ऑन ईयर बेस पे लगातार सेल्स इनका बढ़ता जा रहा है। वही कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 890 करोड़ से बढ़कर मार्च 2024 में 1126 करोड़ की जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। वही कंपनी की EPS अर्निंग पर शेयर ईयर ऑन ईयर बेस पे उसमें भी जबरदस्त कंस्टेंटली इजाफा देखने को मिल रहा है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें, जिसमें प्रमोटर की हिस्सेदारी 38.2% की, अदर शेयर होल्डर की हिस्सेदारी 35% की, ये फाइल्स की हिस्सेदारी 17.3% की, म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी 7% की एंड अदर DI की हिस्सेदारी 1.8% की है। सेकंड कंपनी है विंड टेलीलिंक्स लिमिटेड। कंपनी टेलीकॉम केबल्स के मैन्युफैक्चर में एंगेज है। कंपनी EPS सर्विसेज, टेलीकॉम, पावर, गैस डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन एंड सीवेज प्रोडक्ट्स में कंपनी काम करती है। कंपनी की करंट ऑप्टिकल फाइबर केबल में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है 60 लाख फाइबर पर एनम। कंपनी के पास टोटल ऑर्डर बुक 8000 करोड़ का है। कंपनी की की रेशियो को देखें, जिसमें कंपनी का बुक वैल्यू 3353 रुपए है। बुक वैल्यू, जिसे रियल वैल्यू भी कहते हैं, अगर किसी शेयर का प्राइस उसके बुक वैल्यू से कम प्राइस पे ट्रेड कर रहा हो तो वह स्टॉक्स अंडर वैल्यू है। स्टॉक का पी रेशियो 10.8 व इंडस्ट्री पी रेशियो 23 है। इंडस्ट्री पी रेशियो की कंपैरिजन में स्टॉक का पी रेशियो कम है। कंपनी के ऊपर डेट 493 करोड़ का, लेकिन डेट टू इक्विटी रेशियो 0.12 है। लॉन्ग टर्म में कंपनी के ऊपर डेट का कोई भी प्रेशर नहीं रहेगा। वही कैश इक्विवेलेंट्स 171 करोड़ का है। कंपनी का प्लेस परसेंटेज वो भी 0 है। कंपनी के प्रमोटरों द्वारा बैंक को कोई भी शेयर गिरवी प्लेस नहीं रखा है। कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू भी 2949 रुपए है, जो स्टॉक का वैल्यू 2576 से ज्यादा है। इस स्टॉक्स में एंट्री करने का यह बेहतरीन मौका हो सकता है। वही कंपनी के फाइनेंशियल को देखें, जो कंपनी का कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ ट्रोलिंग 12 मंथ में 41% का, वही कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ ट्रोलिंग 12 मंथ में 52% की जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। वही स्टॉक का प्राइस CAGR 1 ईयर में 34% से बढ़ा है। वही कंपनी में होल्डिंग्स को देखें, जिसमें प्रमोटर की हिस्सेदारी 43.4
5.5% की है जो लंबे समय से बरकरार है। वहीं FIs की होल्डिंग 1.58% की है, DIs की होल्डिंग 9.73% की है और पब्लिक की हिस्सेदारी 45.15% की। इन दोनों कंपनियों का बिजनेस मॉडल बहुत ही स्ट्रांग है, साथ ही इन स्टॉक्स रिटर्न भी जबरदस्त बनाए जा सकते हैं। अगर आप पेशेंस पूर्वक इन स्टॉक्स को होल्ड करते हैं तो आसानी से आप अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। ये वीडियो किसी भी प्रकार से बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं, केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है। जब भी आप किसी कंपनी को इन्वेस्ट के लिए सिलेक्ट करते हैं तो एक बार कंपनी के बिजनेस के बारे में खुद से रिसर्च और एनालिसिस जरूर करें। उनके फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल को अच्छे से स्टडी करते हुए ही कोई इन्वेस्टमेंट की डिसीजन बनाए। तो आपको आज का मेरा स्टॉक सिलेक्शन और स्टॉक एनालिसिस कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो इन्फॉर्मेशन फुल लगा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में। जय हिंद।